वेलकम टू माय ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक रेसिपी, जो कि रेसिपी बहुत ही इजी है, सभी बनाते हैं, सबको पता है, सब खाए भी होंगे, लेकिन सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि मैं रेसिपी का नाम पहले बता दूँ, रेसिपी का नाम है लौकी का कोफ्ता। लौकी का कोफ्ता ऑलमोस्ट सभी बनाना जानते हैं, सभी खाए भी हैं, लेकिन फिर भी सबके बनाने का तरीका अलग है। तो मैं आपको बॉयल करने के बाद उसको हम अच्छे से पानी निचोड़ लेंगे। पानी निचोड़ने के बाद इसमें बेसन डालेंगे। बेसन इतना डालेंगे कि ये लौकी जो है वो गोल गोल बॉल जैसा बन जाए। मैंने इसमें बेसन डाल लिया है और लौकी मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा था, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तभी ठीक रहता है। तो ये फिर पानी छोड़ता है, पानी छोड़ेगा तो फिर आपका बॉल जो है ना वो गोल गोल नहीं बनेगा। आपका मन जैसा भी हो ऐसा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं हींग डाल रही हूँ, 1 pinch हींग सफिशियंट होता है। हींग इसलिए मैं डालती हूँ, किसी भी खाने में मैं हींग ज़रूर डालती हूँ कि जिससे कि पेट सही जाए। और थोड़ा सा मैं हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा जीरा। जीरा आपके ऊपर है, स्किप भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए रहेगा तो, ठीक नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। बेसन अभी मैं रखती हूँ, देखती हूँ अगर कम रहेगा तो वापस डालना ही पड़ेगा। तो पहले अभी चेक करती हूँ उसको बना के, सही तरीका रहेगा। ये देखिए ये रेडी हो चुका है, ये बॉल बन जाएगा आराम से, इजीली बॉल बन जाएगा। तो आप लोगों को इसी हिसाब से बनाना है कि आपकी बॉल जो है वो बन जाए। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि लौकी को एकदम पानी निचोड़ दीजिएगा। अगर आप पानी को नहीं निचोड़ेंगे तो आपका बेसन कितना भी आप डालते जाएंगे वो पानी पानी ही जैसा रहेगा, वो गोल गोल नहीं बनेगा, बॉल जैसा नहीं बनेगा। और बेसन ज़्यादा हो जाने के कारण फिर लौकी का टेस्ट नहीं आएगा तो वो बेकार लगेगा। तो इसकी वजह से इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी हम गैस को चलाते हैं। जला लिया, अभी तेल डालेंगे इसमें, सरसों का तेल रिफाइंड, आप जिसमें भी यूज करते होंगे उसमें आप बना सकते हैं। मुझे बॉल्स को डीप फ्राई करना है तो इसकी वजह से तेल आप उसी अकॉर्डिंग डालिएगा जिससे आपके बॉल अच्छे अच्छे लाल लाल निकल जाए। और उसके बाद फिर बॉल्स निकालने के बाद फिर आप तेल को निकाल दीजिएगा, जितना आपको चाहिए होगा, जितना खाने में चाहिए होगा आप उतना यूज कर सकते हैं। अभी मेरा तेल अच्छे से हो जाए उसके बाद मैं बॉल डालूँगी, बॉल बना के निकाल के फिर उसके बाद मसाला। और हाँ, मैंने मसाला ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, ये देखिए। ये मसाला तो रोज़ जो सब्जी में पड़ता है वही मसाले मैंने तैयार किया है। इसमें मैंने 2 प्याज लिया हुआ है और 2 मिर्च ली हुई है, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने 2 मिर्च इसलिए ली हुई है, इतनी मैंने पीसी भी है और मैंने काटी भी है अलग से 3 मिर्च, तो इसकी वजह से आप अपनी मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर लेना। मैंने 2 प्याज लिया है, 2 मिर्च ली है, थोड़ा सा जीरा डाला है, छोटी इलायची आती है छोटी इलायची डाला है, बड़ी इलायची डाला है, 1 लौंग डाली है, काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा अदरक डाला है और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। मैं पीस के पहले से ही रख रही हूँ कि ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो इसकी वजह से। तो ये मैंने पीस के रख लिया साइड में और मैंने टमाटर भी काट लिया, 2 टमाटर मैंने काट लिया है। और मैंने बोला था ना 3 मिर्ची मैंने काटी है, तो ये 3 मिर्ची मैंने इसके अंदर काट दी है कि जिससे कि तड़का मारते समय एकदम से लगे ना, तो इसके अंदर रहेगा तो इतना ज़्यादा लगता नहीं है। और मैंने ये रख लिया है आपके में पानी पड़ गया, तड़का तड़का होने लगा। मैं सरसों कटोरी में पानी ले ली हूँ बॉल्स बनाने के लिए। हाँ, आपको पानी लगा के आप बनाएंगे तो चिपचिप नहीं होगा और इजीली निकल के बन जाएगा। आपको 2 हाथ पे यूज़ करना है, 2 हाथ पे यूज़ करो, 1 हाथ पे यूज़ करो, 1 हाथ पे यूज़ करो। मेरा तेल देखिए गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकलने लगा। ये मैंने गर्म गर्म से डाल दिया मेरे बॉल्स को। आपके अकॉर्डिंग है, आपके लिए कैसा बनाना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग गोल बनाना चाहते हो, चिपटा बनाना चाहते हो। मेरे बॉल ऑलमोस्ट रेडी हैं। मैंने अभी निकाला नहीं है, तो ये देखिए ऐसे ही लाल हो जाने चाहिए आपके, बहुत ही अच्छे तरीके से लाल हो जाने चाहिए। ये मेरे बॉल्स बनकर रेडी हो गए, ऐसे ही आपको भी लाल लाल ऐसे ही बॉल्स बनाने हैं।
एकदम सॉफ्ट है। थोड़ा लीजिए जीरा, थोड़ा सा पानी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जो आपने मसाला मैंने आपको बिल्कुल बोला था ना रेडी करने के लिए रखा है, वो मैंने मसाला मेरे मसाले पक रहे हैं। ये जो मैंने टमाटर और मिर्च काट रखे हैं वो भी डाल देना इसी के साथ। घर में चोर भी है वो जो मैंने बॉल बनाया था उसको खा के खा भी लिया है। ना मैंने उसमें नमक नहीं डाला था, खा दे खा दे। देखिए ये बॉल है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा। मेरे चावल लोगों के रेडी हो चुके हैं, मैंने इसी में लौकी को फिर बॉयल किया था, इसलिए मैंने चावल डाल दिए, तो मेरे चावल पक चुके हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी हल्दी, सब्जी मसाला। सब्जी मसाला आप कोई भी ब्रांड का यूज करिए, आपके ऊपर है। ज़्यादा मैं मसाला नहीं यूज़ कर रही हूँ, वैसे भी इसमें जो पीसे हुए मसाले भी हैं जैसे प्याज वगैरह, वो भी क्वांटिटी उसकी कम ही रखिएगा, क्योंकि ये बेसन होता है, बेसन की सब्जी है, तो एक तरीके से बेसन ग्रेवी थिक कर देती है, तो ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। इसी में मैं डाल दूंगी नमक, मसाले के साथ मैं नमक डालती हूँ जिससे कि टमाटर भी अच्छे से पक जाए। सब्जी की जितनी क्वांटिटी हो उस हिसाब से आपको नमक डालना है, नमक अपने स्वाद अनुसार। तो ये देखिए मेरा मसाला, कितना अच्छा सा फ्राई हो गया है। देखिए मसाला जो है तेल भी छोड़ने लगा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये लहसुन। आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी टाइम से मैंने गैस के पास रखा है, ये लहसुन मैं इसमें डाल देती हूँ। धुल लीजिएगा इसको, अच्छे से छाट लीजिएगा। ये लहसुन जो है खड़ा लहसुन जो है ये मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं सब सब्जी के साथ। तो फिलहाल मैं अपने लिए तो नहीं डाल रही हूँ, मम्मी भी मना ही की हैं, ये भाई के लिए डाला है मैंने। इसको भी थोड़ा सा अच्छे से पका लेते हैं थोड़ी देर। ये देखिए सब्जी मेरी, मेरा मसाला देखिए ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ऑलमोस्ट टोटली तैयार हो चुका है। अब इसमें जो हमने बॉल्स बना के रखे थे अब वो डालेंगे। थोड़ा चला देंगे, सब्जी का कलर आप लोग बताइएगा कैसा है, देखने में कैसा है, और खाने में तो फिर हम लोग ही बता सकते हैं कि मैंने कैसा बनाया है। देखिए अभी इसमें पानी डालने का टाइम हो चुका है, अब पानी ऐड करेंगे। ये मैंने वही पानी यूज़ किया है जिसमें मैंने जिस जार में मैंने मसाला पीसा हुआ था, तो उसी में मैंने पानी ले लिया, जिससे कि जो उसमें मसाले लगे रहते हैं ना काफ़ी, तो वो यूज़ हो जाते हैं। पानी आपको ग्रेवी कितना रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, बस नमक उमक मैंने पहले ही डाल दिया था। मेरा चावल भी बन के रेडी हो चुका है, रायता भी बन के रेडी हो चुका है, बस सब्जी बन जाए। एक बार खोल कर चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जी कैसी है। ये देखिए अभी ये पक रही है, अभी पकी नहीं है, नहीं तो सोचिए आप लोग पक चुकी है, अभी पक रही है।
अभी इसको पकने देते हैं। चलिए देखते हैं सब्जी का मेरे क्या हाल है। मेरी सब्जी पक चुकी है, रोटी भी इधर पक रही है। देखते हैं इसमें डाल देते हैं धनिया, छिला देंगे। गैस कर देंगे बंद। मेरी सब्जी पकने हो गई तैयार। गर्मा गर्म लौकी के कोफ्ते। चलिए गाइज ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब हम गर्म गर्म जाते हैं खाने के लिए। मुंह में पानी बहुत तेज से आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।